इससे अच्छा तो बचपन ही था, ना बंदिशें थी ना समाज की चिंता। अब तो कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, और कितने भी कोशिश कर लूं, लोग फिर भी कारण ढूंढ ही लेते हैं बातें बनाने के लिए। चल बेटा, हाथ धोले और खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है। अरे भूख कैसे नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाव पर गई है। वो भी ऐसा ही था, अगर किसी ने कुछ कह दिया या उसके मन का ना हुआ, वो भी तेरे जैसे ऐसे मुंह फुला कर बैठ जाता था, खाना पीना बंद। अगर अपने नहीं डांटेंगे तो क्या पराया आकर समझाएंगे? और फिर मैं तो तेरी आत्या हूं ना। देख, परिवार में तो ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है, और बड़ों की बातों का बच्चों को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। देख बेटा, तुझसे बड़ी हूं ना, इसलिए हक से कह रही हूं, गुस्सा थूक दे और खाना खा ले। बेकार की बातों पर भूखे मरने का शौक नहीं है मुझे। मैंने कहा ना, मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। जिप्री, जिद नहीं करते बेटा, तेरी आत्या घर में सबसे बड़ी है, उनकी बात मान ले, चल खाना खा ले। आई, तुम भी शुरू हो गई। मैंने कहा मुझे नहीं खाना है, तुम जाके खा लो। ठीक है, मत खा बस, और तेरी आई को भी बुखार। क्या? आई, तुमने कुछ भी नहीं खाया? जब बच्चा भूखा हो तो माँ के गले से निवाला कैसे उतर सकता है? चलिए मेरी बराबरी कर ले। अरे उम्र देखिए अपनी, मेरी तो उम्र है। भूखी रहकर नखरे दिखाकर मैं अपनी बात मनवा सकती हूँ, लेकिन इनकी उम्र है भूखे रहने की। आओ बैठो। मुंह खोलो। पहले तू खा। आई, तुझे पता है ना, मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती। चल पगली, तकलीफ कैसी? ऐसे करोगी ना तो बीमार पड़ जाओगी। घी जब सीधी उंगली से ना निकले तब उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। वक्त आ गया है उंगली को टेढ़ी करने का। पवन भाई, मजदूरी से मिले पैसों से हमने ये फलों का ठेला तो शुरू कर दिया, लेकिन कल सारा दिन मंडी में रहे, किसी ने कुछ नहीं खरीदा। हमें कुछ दूसरा उपाय सोचना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। लेकिन हम कर भी कह सकते हैं अब्दुल, और कोई उपाय भी तो नहीं है हमारे पास। चलो अगर हम अपना ठेला इस चौराहे पर लगाएं तो कैसा रहेगा?
क्योंकि यहीं से लोग मंडी जाते हैं जिन्हें फल खरीदने होते हैं। वो हमें फल बेचते देखेंगे तो यहीं से फल खरीद लेंगे। सुझाव तो अच्छा है अब्दुल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मंडी जाने वाले लोगों की नजरें इधर पड़ेंगी, क्योंकि ये चौराहा है अब्दुल। यहाँ से लोग गुजरते जरूर हैं, लेकिन ना तो यहाँ कोई गाड़ी रुकती है और ना ही लोग। और मंडी से लोग खरीदारी करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें चार जगह से मोल तोल करने का फायदा मिल जाता है। इतना घूमी हूँ हाट में पर एक लड़का नहीं मिला काम करने के लिए। दीजिए सेठ जी, मेरा मेहनताना दीजिए। ये क्या सेठ, इतने कम? देखो सेठ, मैंने कल भी और आज भी पूरा दिन काम किया है। काम किया है या काम बिगाड़ा है? कल तुमने एक बोरी को पटक कर फाड़ दिया, पूरा दो सेर बाजरा खराब हुआ है मेरा, उसका हर्जाना कौन भरेगा, तुम्हारा बाप? देखो सेठ, बाप को बीच में मत लाना, जो बोलना है मुझे बोलो। याद रखना, भगवान सब देखता है। भगवान सब देखता है, चल भाग यहाँ से। किधर मर गया था तू? लेकर चल इसको। ए लड़के सुन। जी कहिए। पढ़ना लिखना आता है क्या तुझे? हाँ जानता हूँ। तो मेरा एक काम करेगा? करूँगा ना, पैसे कितने मिलेंगे? अरे हाँ हाँ दूंगी दूंगी, अच्छे पैसे दूंगी, पहले काम तो सुन। ये कैसा काम है? अरे? नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा ये काम। अरे सुन, वो साहूकार की गालियां खाता है, मार खाता है, और मेरे जैसे लोग इतना छोटा सा काम कहते हैं तो मना करता है। सुन, मैं ना तुझे बाली दूंगी, बाली ऐसी महंगी वाली। सच? सच नहीं तो क्या, कलयुग घोर कलयुग आ गया है, एक बूढ़ी की बात पर विश्वास नहीं करता है। बताइए क्या लिखना है? तुझे ना इतना ही लिखना है कि राम जी भला करे। चल एक काम करते हैं, यहाँ ना बहुत भीड़ है, हम कहीं और जाकर बैठते हैं। चल चल। लेकिन पवन भाई, कल तो हम सारा दिन मंडी में ही थे ना, कुछ बिका नहीं ना? और पवन भाई, मंडी में ग्राहकों की दुकानें बंद ही होती हैं, सब अपनी पुरानी दुकानों से ही सामान खरीदते हैं। कुछ भी एक दिन में नहीं होता अब्दुल, दुकानदारी भी धीरे धीरे जमती है, बस सामान और व्यवहार अच्छा होना चाहिए। लोगों से दुआ सलाम करते रहो, धीरे धीरे हमारी पहचान भी बढ़ जाएगी, फिर हमारे सामान की भी बिक्री होगी। लेकिन यहाँ रहेंगे ना तो इक्का दुक्का ग्राहक मिलेंगे, मंडी जितने ग्राहक नहीं मिलेंगे। पवन भाई, एक बार आजमा कर तो देखते हैं ना, अगर कोई ग्राहक नहीं आया तो दोबारा मंडी में ही चले जाएंगे। अब्दुल, तुमसे बड़ा हूँ मैं और तुमसे ज्यादा तजुर्बा है मेरा, और तुमसे ज्यादा समय से शिरडी में भी हूँ, मेरी बात मानो, मंडी ही चलते हैं। चल। लेकिन मेरे सुझाव में क्या खराबी है? एक बार आजमा कर तो देखते हैं, आज हम ठेला यहीं लगाएंगे। ऐसे कैसे लगाएंगे? मैंने कहा ना, ठेला मंडी में ही लगेगा अब्दुल। नहीं, ठेला यहीं लगेगा। माफ करना पवन भाई। माफी? तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कैसे अब्दुल? तुम तो बदतमीजी पर उतर आए, बड़ों का लिहाज तो दूर, तुम हाथापाई कर रहे हो मुझसे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था पवन भाई। तुम पहलवान हो गए अपने घर के, ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देते हैं ये तो मैं भी जानता हूँ अब्दुल मियां।
आप तो जानबूझ के धक्का दे रहे हैं। हाँ दे रहा हूँ, तो तू क्या समझता है धक्का देना सिर्फ तुझे आता है? रुको, आपस में लड़ना शोभा देता है आप लोगों को। बड़े होने का ये मतलब तो नहीं कि अब जो पवन भाई कहे वही सही है? साईं, पहले इसने धक्का दिया मुझे, बड़ों की बात नहीं माननी है तो ना माने, लेकिन इज्जत तो दे कम से कम। मैंने इज्जत से ही कहा था साईं कि ठेला चौराहे पर लगा देते हैं। और मैंने बात नहीं मानी तो बहसबाजी, हाथापाई पर उतर आए, ये होता है इज्जत देना? और आपने मुझे जानबूझ कर धक्का दिया। धक्का तुमने मुझे पहले दिया अब्दुल, झूठ मत बोलो तुम। आप झूठ बोल रहे। शांत शांत हो जाइए आप दोनों। आप दोनों मेरे साथ आइए। कहां रह गया गधा? सुनिए, जी कहिए। शांता आका है क्या? हाँ है ना, आते आपसे कोई मिलने आया है। अच्छा तुम बुला ना उसे, अंदर बुला। आइए। प्रणाम आते। जीता रहे बेटा। मैं मृदुल, मुझे प्रहलाद दादा ने भेजा है। बैठ। प्रहलाद दादा के साथ काम करता हूँ, किसी काम के सिलसिले से शिरडी आया था तो उन्होंने ये चिट्ठी आपको देने के लिए कहा था। प्रहलाद दादा बता रहे थे जैसे ही आप शिरडी के लिए निकले वैसे ही ये चिट्ठी आ गई। धन्यवाद बेटा। घर में सब ठीक है? हाँ जी। चलो अच्छा है। जिपरी पानी तो पीला, क्या खड़ी है? हाँ पानी पी ले। मारुति के मंदिर के पीछे मिलना, दोपहर को आऊंगी तुमको मिलने। ये लीजिए। आप बहुत दूर से आए हैं, आप खाना खा के ही जाइएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे काम निपटा कर जाना है, चलता हूँ। प्रणाम आका। धन्यवाद। जीता रहे। अक्का किसकी चिट्ठी है? सुमित्रा, मुझे कहाँ पढ़ने लिखने आता है, अगर आता होता तो तुझे बता देती ना। ए जिपरी, तुझे तो पढ़ना लिखना आता है ना, पढ़ के सुना ना किसकी चिट्ठी है। हाँ आत्या। जल्दी से बता ना किसकी चिट्ठी है। किसी ढोंडी ने भेजी है। और ए ढोंडी, तेरी फुफा जी का ना रिश्तेदार है वो। पढ़ना क्या लिखता है वो। प्रिय शांता काकी, चरण स्पर्श, हम सब यहाँ ठीक से हैं और आपकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते। यह चिट्ठी लिखने का एक खास कारण है। आई के देहांत के बाद घर खाली खाली लगता है। हम सब तो काम में व्यस्त रहते हैं लेकिन बाबा को दिन भर घर में अकेले रखना पड़ता है। एक तो वो अकेलापन महसूस करते हैं, दूसरा उनसे बात करने वाला, उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है, कम से कम बाबा से बात करने के लिए घर में कोई तो होगी। पर इसके लिए आपकी मदद चाहिए। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छी घर संभालने वाली लड़की है तो जल्दी से खबर कीजिएगा। आप तो जानती है कि भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है। अगर कोई सुशील लड़की है तो बाबा उसके परिवार का भी ख्याल रखेंगे। बस आप कोई अच्छी लड़की ढूंढ ले तो बाबा भी झट से हाँ कह देंगे। आपकी पसंद अच्छी ही होगी ना? हमें आपके संदेश की प्रतीक्षा रहेगी। सादर नमस्कार।
आपका ढोंडी। अक्का ये लोग कौन है? अरे बहुत बड़े लोग हैं। बैठ बैठ बताती हूँ मैं तुझे। अरे इतनी जमीन जायदाद है उनके पास, जो भी लड़की उनके घर शादी करके जाएगी ना वो राज करेगी राज। सच में सोने में तोलेंगे वो अपनी बहू को, ऐसे लोग हैं। देखा सुमित्रा कितना विश्वास है उन लोगों को मुझ पर। लिखा है जो लड़की मुझे पसंद होगी उसी के साथ शादी करेंगे। कभी कभी ना ऐसा विश्वास मेरे लिए जिम्मेदारी बन जाता है। कहां से ढूंढ कर लाऊं ऐसी लड़की जो उनके घर के लिए बिल्कुल सही हो। लड़की तो ऐसी होनी चाहिए जो घर घर हस्ती संभाले, मिलनसार हो, लालची ना हो, बड़े बुजुर्ग की सेवा करे, है ना? कहां मिलती है आजकल ऐसी लड़की? कोई तो होगी ना जो उस घर के लिए बिल्कुल सही होगी, है ना? जिप्री, लो बोलो। मैं तो बाहर ढूंढने निकली थी, हमारे घर में ही है। आत्या, क्यों, मैंने क्या गलत कहा? ऐसा लड़का तू दिया लेकर ढूंढने निकलेगी ना तो भी नहीं मिलेगा। किसने कहा आपसे मुझे शादी करनी है? अरे ये क्या बात हुई? कहीं नहीं जाऊंगी मैं आई को छोड़कर। मेरे सिवा आई का है ही कौन? मैं चली गई वो तो बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी। देख जिप्री, तू जब भी जिसके भी साथ शादी करके जाएगी ना तब सुमित्रा को तो यहाँ अकेला रहना ही पड़ेगा। एक लड़की को अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है, यही तो दुनिया का रिवाज है ना? मुझे कुछ नहीं सुनना आत्या, मैं साई और शिरडी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बस हाँ, मैं आपकी समस्या जानता हूँ, समझता हूँ उसे, लेकिन अगर समस्या है तो इसका कोई निदान कोई समाधान भी होगा। आपकी इस समस्या का समाधान एक पहेली में छुपा है और उस पहेली को आप दोनों को ही हल करना होगा। पहेली? मैं समझा नहीं साईं। एक बार की बात है, एक जंगल के रास्ते से 5 दोस्त कहीं जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ कि शायद वो रास्ता भटक गए हैं। तो उनमें से एक दोस्त ने कहा कि हमें संभवतः ये बाईं ओर वाला रास्ता पकड़ना चाहिए, इस रास्ते पर चलकर हम सुरक्षित जंगल से बाहर जा सकते हैं। ऐसा कहके वो बाईं ओर के रास्ते से चला गया। दूसरे दोस्त ने कहा कि मेरे ख्याल से हमें यह दाईं ओर का रास्ता पकड़ना चाहिए, इस रास्ते पर चलकर हम जंगल से बाहर सुरक्षित जा सकते हैं, और वो दाईं ओर के रास्ते से चला गया। इन दोनों के जाने के बाद तीसरे मित्र ने कहा कि ये दोनों मूर्ख हैं, हम लोग सही रास्ते पर जा रहे थे और हमें इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा कहके वो सीधे जिस राह पर वो लोग आ रहे थे उसी राह पर आगे चला गया। तब चौथे मित्र ने कहा कि नहीं, मैं तो कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता, मैं उसी रास्ते पर वापस चला जाऊंगा जिस रास्ते से हम आए थे, क्योंकि वही रास्ता सबसे ज्यादा सुरक्षित है। ऐसा कहके वो चौथा व्यक्ति जिस राह से वो पांचों मित्र इस जंगल में आए थे उसी राह पर वापस चला गया। अब बचा पांचवा मित्र। उसने अपने चारों मित्रों को जाते हुए देखा और उसके बाद उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसे न केवल सबसे छोटा बल्कि सबसे सही रास्ता मिला। क्या आप लोग अनुमान लगा सकते हैं
कि उसने ऐसा क्या किया होगा। आप लोग विचार कीजिए, मैं अभी आता हूं। पवन भाई, आपको क्या लगता है कि क्या किया होगा उसने? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अगर हम दोनों मिलकर इस पर निष्कर्ष निकालें, कुछ सोचें, विचार करें, तो पहेली जो है जल्दी सुलझ जाएगी। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। छोटा रास्ता भी और सही मार्ग भी, कैसे ढूंढा होगा उसने? जब देखो तब साई 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 करती रहती है। देख सुमित्रा, वो बच्ची है लेकिन तू तो बड़ी है ना। अरे बेटी की माँ है, आज नहीं तो कल तुझे जिपरी की शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। तो कल क्यों, वैसे भी तेरे पास देने के लिए है क्या? हाँ, इस रिश्ते में तो तेरा अकेले रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लिखा है ना उन लोगों ने, हाँ ये सबको संभाल लेंगे। उस घर में शादी होगी ना तो तेरी बेटी राज करेगी और तुझे भी कोई कष्ट नहीं होगा। तुम दोनों ने बहुत दुख उठाए हैं। सुख जब सामने से चलकर आया है तो मना मत कर। लेकिन अक्का, वो लोग इतने अमीर हैं, मेरी झिपरी को क्यों चुनेंगे? अरे मैं कहूंगी इसलिए, मुझ पर कितना विश्वास है ना। और तू ही बता, झिपरी से बेहतर कोई लड़की है उस घर के लिए? इसीलिए कहती हूँ सुमित्रा, एक बार तू इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे, बस हाँ कह दे। सुमित्रा, मैंने बड़ी मेहनत की है इसके लिए और अपनी योजना को तुझे या छिपरी को बर्बाद करने तो नहीं दे सकती। मैंने यहां आने से पहले योजना बना ली थी, बस तू हाँ कहे और मेरा काम हो जाएगा। तो बताओ, पहेली हल हुई, समस्या का समाधान मिला? जी साईं, हम दोनों ने निष्कर्ष निकाल लिया है कि उस पांच व्यक्ति ने क्या किया होगा। तो बताओ क्या सोचा होगा? जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर उसे चारों तरफ देखा होगा और उसे बाहर जाने का सबसे छोटा और सही रास्ता मिल गया होगा। बहुत खूब, बिल्कुल ठीक कहा तुमने।
अब ये बताओ कि इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? पता नहीं साईं। आओ मैं बताता हूं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें बुरी परिस्थितियों में भी, संकट की घड़ी में भी धैर्य से, सबूरी से काम लेना चाहिए। जब हम समस्याओं से ऊपर उठकर सोचते हैं, तभी हम समस्या का, परिस्थिति का सही सही आकलन कर पाते हैं। अगर आप लोग एक दूसरे को गलत ठहराने के बजाय एक दूसरे की सोच का सम्मान कर दें, एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करते, तो आप समझ पाते कि आप लोग एक ही हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, और तब शायद आप सही नतीजे पर, समस्या के समाधान पर भी पहुंच चुके होते। आप सही कह रहे हैं साईं। हाँ साईं, केवल एक दिन के लिए अब्दुल के सुझाव को मान सकता था मैं। नहीं पवन भाई, गलती मेरी भी है। सच कहूं तो गलती हम दोनों से हुई है। हम भी उन चार लोगों की तरह गलत दिशाओं में ही चले गए। आपको क्या लगता है अब्दुल, वो चारों गलत थे? बेशक साईं, तभी तो आपने हमें ये कहानी सुनाई। नहीं, वो चारों गलत नहीं है, बल्कि यहां गलत आप दोनों हैं। ये ले चिपरी, खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है। अरे क्या भूख नहीं है, तेरी वजह से तेरी आई ने भी नहीं खाया। चल खाना खा। ले सुमित्रा, तू भी खाना खा ले। चल अरे क्या दोनों मुंह लटका कर बैठी हो, चलो खाना खाओ। पांचों मित्रों के साथ क्या हुआ ये मैं बताता हूं। पहला व्यक्ति जिसने बाईं ओर का रास्ता लिया था, भले ही वो अपनी मंजिल तक जल्दी ना पहुंचा हो, भले ही उसे छोटा रास्ता ना मिला हो, लेकिन बाईं ओर जाकर वो एक नए शहर में पहुंचा। एक नए शहर को जाना उसने। दूसरा आदमी जिसने दाईं ओर की राह ली थी, चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गया। रात हो गई और उसे अकेले ही रात बितानी पड़ी जंगल में, लेकिन उसने भी कुछ खोया नहीं, उसने भी तजुर्बा, एक नया अनुभव हासिल किया, जंगल में अकेले अपने बलबूते, अपनी हिम्मत पर रात बिताने का तजुर्बा, अपने दम पर जीना सीखा उसने। और तीसरा व्यक्ति जो जंगल में सीधा आ गया था, चलते चलते वो कुछ ऐसे लोगों से जा मिला जो उन्हीं की तरह जंगल में खो गए थे, भटक गए थे। उसने नए लोगों के साथ
कैसे जीना है, कैसे उनके साथ मिलकर काम करना है, ये अनुभव, ये तजुर्बा हासिल किया। चौथा व्यक्ति जो पीछे के आए हुए रास्ते पर ही वापस लौट गया था, उसे रास्ते में एक घर मिला। घर के लोगों ने उससे रुकने के लिए कहा और मेजबान से उसने मेहमान के प्रति दया, करुणा, प्रेम और विश्वास का पाठ सीखा। एक नया तजुर्बा, एक नया अनुभव हासिल किया उसने भी। और पांचवां व्यक्ति, वो सही मार्ग पर जाकर सही समय पर अपनी मंजिल पर पहुंच गया। तो अब समझ में आया कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में कुछ भी गलत नहीं होता। हमारे साथ अच्छा हुआ या बुरा, सही हुआ या गलत, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ ये कि अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमने जिस राह, जिस मार्ग, जिस विकल्प को चुना, उस पर चलकर हमने क्या सीखा, क्या अनुभव, क्या तजुर्बा हासिल किया हमने। क्योंकि जीवन का हर तजुर्बा हमें कुछ सिखाता है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि उस तजुर्बे का उपयोग हम सही के लिए करते हैं या गलत के लिए। इसलिए अगर कभी भी तुम्हारे जीवन में कुछ बुरा हो, कभी कुछ ऐसा हो जिसे सोचकर तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, सही नहीं हुआ है, तो हतोत्साहित मत होना। हौसला बनाए रखना, सबूरी रखना, क्योंकि जीवन का ये बुरा तजुर्बा भी तुम्हें पहले से अधिक बुद्धिमान, पहले से अधिक समझदार बनाएगा। तुम्हें जीवन की आने वाली कठिनाइयों से लड़ने का साहस देगा ये बुरा तजुर्बा। हिम्मत बतारना, सबूरी रखना। आई! सुमित्रा, सुमित्रा क्या हुआ तुझे? आई, क्या हो गया तुम्हें? आई, आके खोलो, उठो आई, क्या हुआ तुम्हें? सुमित्रा, आई, उठो आई, क्या हुआ तुम्हें? आई, आके खोलो आई, क्या हुआ तुम्हें? क्या चिल्ला रही है तू? जा जल्दी से पानी लेकर आ। सुमित्रा, सुमित्रा उठो ना, ला ला, तुझे नहीं आएगा। आई, तुम ठीक हो ना? बेचारी। आई, क्या हो गया था तुम्हें? मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम ठीक हो ना अभी? फिर चलो साई के पास चलते हैं। कोई जरूरत नहीं है साई के पास जाने की। उसने कहा ना कि वो ठीक है, मतलब ठीक है। लेकिन साई एक बार आई को देखकर बता देंगे कि कहीं उन्हें कोई बड़ी परेशानी तो नहीं है ना? अरे मैं तुझे बताती हूँ कि उसे क्या परेशानी है। जवान बेटी की माँ को एक ही परेशानी होती है, अपनी बेटी की शादी की। ये चक्कर आना, ये कमजोरी, ये सब कुछ क्यों है पता है? क्योंकि सुमित्रा ना बहुत सारी बातें अपने मन में ही दबा कर बैठी है, तुझे कुछ बताती नहीं है। लेकिन सच ये है कि उसे ना तेरे भविष्य की चिंता है। क्या हूं करके ऐसे करती है? ओहो, अगर सच सुनना नहीं है तो पूछती क्यों है? तेरे मुंह बनाने से तेरी आय की चिंता दूर नहीं हो जाएगी, समझी? कभी खुद को अपनी आय की जगह पर रख कर देख, तब पता चलेगा। ये बिचारी एक अकेली माँ है, तुझे पाल पोस कर बड़ा करने में उसने अपनी जिंदगी झोंक दी है, फिर भी इसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है। अभी भी तेरी शादी की चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है, और तू है कि पता नहीं कहां की राजकुमारी आ गई है।
तुझे ऐसा लगता है कि कोई सफेद घोड़े पर एक राजकुमार आएगा और ब्याह करके तुझे शादी करके उठा कर ले जाएगा, तुझे ऐसा लगता है? अरे अपनी माँ के बारे में सोच, सपनों की दुनिया में से जमीन पर आ, शादी के लिए हाँ कह दे और अपनी आई को इस परेशानी और चिंता में से मुक्त कर। शांता अक्का बिल्कुल सही बोल रही है जिप्री, और इस रिश्ते में खोट क्या है, क्या कमी है? तूने तो खुद वो खत पढ़ा था ना, वो लड़का तेरे साथ साथ मेरा भी ख्याल रखेगा। तुम मेरे लिए परेशान है ना, तो जब अब मेरी भी देखभाल हो रही है तो क्या चिंता है? हाँ बोल दे, मान जा। जल्दी क्या है आई झिपरी, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। अगर तुझे वाकई मेरी चिंता है ना, तो इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। तुझे मेरी कसम है, अगर तुम यही चाहती हो तो। हाँ मैं यही चाहती हूँ। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मेरा काम तो हो गया, अब मुझ पर पैसों की बारिश होगी। भिक्षाम दे। मैं कब से भूखा प्यासा उनका यहां इंतजार कर रहा हूं और उनका कोई अता पता ही नहीं है। जी भला करे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका काम हो गया तो वो अपनी बात से मुकर गई। क्या मैं वापस उनके घर जाकर पता करूं? नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं किसी को भी ना बताऊं, ना ही किसी से पूछताछ करूं। अगर मुझे वहां देख लिया तो भड़क जाएंगी वो, और पता चला फिर एक फूटी कौड़ी भी ना मिली मुझे, क्या करूं? चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ किए धन घटे, कह गए दास कबीर। बैठे रहो और इस पर ध्यान केंद्रित करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। आप साई है ना? हाँ, काफी थके हुए लग रहे हो, भूख भी लगी होगी। और केले हैं आपके पास? नहीं, केला तो नहीं है, पर अमरूद हैं। ये लो।
लोगों को दूसरे के समय की कदर ही नहीं है। अक्सर हमें भी वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। मतलब? कुछ नहीं। इससे पहले तुम्हें कभी शिरडी में नहीं देखा, नए आए हो? दूसरे गांव से यहाँ कमाने के लिए आया हूँ। शिरडी के एक साहूकार ने मुझे कुछ समय के लिए मजदूरी पर रखा है। अरे उस फकीर के साथ क्या कर रहा है ये मूर्ख? कहीं मृदुल ने मेरी योजना के बारे में सचमुच उस फकीर को बता तो नहीं दिया होगा? तो फिर यहाँ मंदिर के पास क्या कर रहे हो? किसी से मिलना था। लेकिन आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? मैं आपको चोर उचक्का लगता हूँ? नहीं, चोर उचक्का नहीं, लेकिन एक भटके हुए राहगीर लगते हो जिसे उसकी सही दिशा नहीं मिल रही है। मुझे मेरा रास्ता मालूम है, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अगर कभी मेरी जरूरत लगे तो मुझे याद करना, राम जी भला करें। हम बचपन से देखते आए हैं कि शादी के बाद लड़कियां अपना घर छोड़कर ससुराल चली जाती है। आई को भी अपना मायका छोड़ के बाबा के घर आना पड़ा, लेकिन कभी एहसास ही नहीं हुआ कि तुम भी हमें छोड़ के चली जाओगी। क्यों केशव? केशव, जिप्री, क्या तुम सच में इस रिश्ते से खुश हो? सच कहूं तो मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाना चाहती। यहाँ साई है, मेरे दोस्त है, मेरी दुनिया शिरडी में ही बसी है। लेकिन आई की चिंता इस रिश्ते से दूर हो जाएगी, तो इसलिए उनके लिए मैं ये शादी करूंगी। चिप्री, चिप्री, मैं द्वारका माई जा रही हूँ साई को तेरे रिश्ते के बारे में बताने। बहुत मानते हैं वो तुझे, चल तू भी चल के उनका आशीर्वाद ले ले। हाय, मैं चलती हूँ। चल। केशव, तुम क्या सोच रहे हो? ठीक हो ना? तात्या, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जिप्री की आत्या, मेरा जो उनके साथ अनुभव रहा उसके आधार पर कह रहा हूँ, वो बहुत स्वार्थी औरत है और मुझे उनका व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। और मैं यही सोच रहा था कि जब वो खुद ऐसी हैं तो फिर उनका लाया हुआ रिश्ता भगवान जाने कैसा होगा। क्या कर रहा था? हाँ, क्यों उस फकीर से बात कर रहा था? पता है कितना चतुर है वो साईं, उसे जरा भी भनक लग गई ना मेरी योजना के बारे में तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर देगा वो। हाँ, काफी पूछताछ कर रहे थे। हाँ? लेकिन मैंने उन्हें कुछ मालूम नहीं होने दिया। अच्छा किया। अब ना तुझे और एक खत लिखना है, उसमें लिखना है कि काम हो गया है, शादी की तैयारियां शुरू करो। वो खत लेकर तू पुतम्बा गाँव जाना, वहां जाकर किसी को भी पूछेगा ना कि धूंडी का घर कहाँ है तो कोई भी तुझे बता देगा, और वो खत ना धूंडी को ही देना। ठीक है? ठीक है। मेरी बाली? कौन सी बाली? अरे हाँ, तेरी बाली ना। दूंगी ना, दूंगी ना, क्यों नहीं दूंगी बाली, लेकिन पहले काम तो खत्म हो जाने दे। बाली 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 देगी मेरी जूती। अब तो देने के नहीं, धन लेने की बारी आई है। हाय, बस।
और उन्हें भी हमारी प्रक्रिया बहुत पसंद आई साईं। लेकिन साईं, हाँ बोलने से पहले हमने कुछ समय मांगा और उसी बीच इसके पापा लड़के के गांव का एक चक्कर लगा आए और वहां पर जाकर लोगों से चुपचाप पूछताछ की कि लड़का कैसा है, क्या चाल चलन है और उसका परिवार कैसा है। पूरी तसल्ली की है साईं, तभी जाकर हाँ कहा है। इकलौती बेटी है हमारी साईं, ऐसे थोड़ी ना किसी को भी सौंप देंगे। बेटी है, कोई बला नहीं कि जिसे टालने के लिए हम कुछ भी कर देंगे। चल जिप्री, क्या हुआ आई? हम तो साई से मिलने आए थे ना। तूने सुना नहीं साई ने अभी अभी क्या कहा प्रज्ञा की आई से? अगर हम लोग अंदर गए और तुम्हारी शादी तय होने का शुभ समाचार साई को दिया तो साई मुझसे भी यही सवाल करेंगे, तो मैं क्या कहूंगी साई से? मुझे तो लड़के के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या बोलूंगी? पता करना तो दूर, मैंने तो लड़के को देखा भी नहीं है। साई की बात 16 आने सच है, लड़के के बारे में कुछ भी जाने बिना मैं तेरी शादी नहीं करूंगी। लड़के के बारे में पूरी जानकारी होने के बाद ही हम साई को बताएंगे। चल जिप्री, अभी घर चलते हैं। चल। देखना तो पड़ेगा ना, जिप्री के बाबा नहीं है तो सारी जिम्मेदारी मेरी है और मैं अपनी बेटी से पिंड छुड़ाने के लिए उसकी शादी नहीं कर रही हूँ। मैं लड़के को देखे परखे बिना इसकी शादी कैसे कर सकती हूँ? बस बना दिया ना मुझे पराया, नहीं है ना मुझ पर विश्वास। अरे मैं कह रही हूँ ना, मैंने देखा है, इससे अच्छा रिश्ता जिप्री के लिए नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। तूने भी तो सुना था ना कि खत में क्या लिखा था, ऐसे प्रस्ताव बार बार नहीं आते हैं। अरे लड़का भी अच्छा है, पैसे वाले भी हैं, खानदान भी अच्छा है, संस्कारी भी है, तेरा भी ख्याल रखेंगे, और क्या चाहिए तुझे? हाँ शांता अक्का, आप मेरी चिंता समझने की कोशिश कीजिए ना। अब किस बात की चिंता? चिंता तो होगी ना। अब ये कहां से टपक पड़ी? सुमित्रा माँ है झिपरी की, और ऐसे कौन से माँ बाप होते हैं हाँ, जो लड़के को देखे बिना ही अपनी लड़की का रिश्ता कर देते हैं। आज मैं इसकी मनमानी चलने नहीं दूंगी। हाँ हाँ, तुम्हारी चिंता खूब समझती हूँ मैं। आखिर तुमने झिपरी की शादी का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी जो ली है ना सही बात? तो सुमित्रा के कान भरने के पीछे तुम्हारी कहीं ये मंशा तो नहीं है कि ये रिश्ता टूट जाए और तुम्हारा खर्चा बच जाए? अक्का ऐसा कुछ भी नहीं है, बाईजा अक्का मेरी तरह जिप्री का भला चाहती है। तो मैं क्या उसका बुरा चाहती हूँ? मैं क्या उसकी दुश्मन हूँ? अरे आत्या हूँ मैं उसकी, आत्या। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, वो लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं, अमीर है, यहाँ बुलाकर उसे कहाँ बिठाएंगे, ये गोबर के घर में या फिर ये उपलों की सेज पर? वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम तो वहां जा सकते हैं ना।
झिपरी को बेटी माना है मैंने। इसकी शादी हम करेंगे, फिर चाहे इसके लिए हमें कितने भी पैसे खर्च करने पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। तात्या के बाबा भी जाएंगे हमारे साथ, वो मिलेंगे लड़के से, और इसी बहाने हम लड़के के परिवार से मिलेंगे, उसका घर भी देख पाएंगे। और अगर हमें वहां सब कुछ उतना ही अच्छा लगा जितना आप कह रही हैं, तो हम रिश्ता वहीं पक्का कर लेंगे। हे भगवान, अब क्या करूं? अगर ये लोग वहां गए तो सच सामने आ जाएगा और मेरे पैसे गए। आप उनके घर का पता दीजिए, हम लोग कल ही वहां जाएंगे। नहीं, अब तो ये साफ हो गया है कि तुम लोगों को मुझ पर भरोसा ही नहीं है, रत्ती भर भरोसा नहीं है। लेकिन गलती सारी मेरी है कि मैंने झिपरी की भलाई के बारे में सोचा, उसका हित करना चाहा। लेकिन एक बात का मुझे पता चल गया है कि भलाई करने का तो जमाना ही नहीं रहा। नहीं नहीं अक्का, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस। क्या तुम क्या चाहती हो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, ऐसी मेरी उम्र नहीं हुई है। तुम लोगों की जिद है तो मैं लड़के को यहाँ बुला लेती हूँ, ताकि तुम झिपरी की असली माँ लड़के की जांच पड़ताल कर लो, बस खुश। लेकिन आज तूने मुझे एहसास करवाई दिया सुमित्रा कि तू मुझ पर कितना भरोसा करती है। अब भी तू पुरानी बातों को भूली नहीं है। हाँ, सुमित्रा, जब भी वो लड़का यहाँ आए मुझे खबर भिजवा देना, तात्या के बाबा और मैं भी उसे मिल लेंगे। जी। साईं, आपको तो पता ही होगा झिपरी की आत्या उसके लिए एक रिश्ता लेकर आई है, और झिपरी ने शादी के लिए हाँ भी कर दी है, पर हमें बहुत चिंता हो रही है। अच्छा, लक्ष्मी ने शादी के लिए हाँ कर दी और मुझे बताया भी नहीं? लेकिन उसकी आयु से लेकर आई थी आपके पास, आपको बताने के लिए आई होगी, पर मुझसे तो नहीं मिली। खैर, आने दो लक्ष्मी को, लेता हूं उसकी खबर। साईं, मुझे झिपरी की चिंता है, क्योंकि उसकी आत्या से मिला हूं मैं, वो भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए मुझे शक हो रहा है उनके लायक रिश्ते पर, और वो एक अच्छी औरत तो बिल्कुल नहीं है। साईं, कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है, वो जिस परिवेश में रहता है उसे जीवन में जो अनुभव मिलते हैं उसी के अनुसार ढल जाता है इंसान, अर्थात परिस्थितियां ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। जैसे जिसके कर्म होंगे वो वैसा ही बन जाएगा। साईं, हमेशा की तरह हमें आपकी बात एक बार में समझ नहीं आई। बैठो। ये आलू देख रहे हो, ये अभी खेत से आया है, इसलिए ये कड़ा है, सख्त है, लेकिन जब हम इसे पानी में उबालते हैं तो क्या होता है? ये देखो, मुलायम हो जाता है ये। अब कौन सा आलू कितनी देर में मुलायम होगा, ये आलू के आकार और पानी के तापमान पर निर्भर करता है। कुछ ऐसा ही हम इंसानों के साथ भी होता है। जब हमारा जन्म होता है तो हम सब लगभग एक जैसे ही होते हैं, कोई खास फर्क नहीं होता हम में। लेकिन जिस माहौल, जिस परिवेश में हमारी परवरिश होती है,
जो शिक्षा जो संस्कार हमें मिलते हैं उसी के अनुसार हमारा व्यक्तित्व बनता जाता है, और ऐसा किसी एक के साथ नहीं, हम सभी के साथ ऐसा ही होता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई इंसान बुरा है। याद करो केशव, तुम्हारे साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ ना। जब तुम विदेश से पढ़ के आए थे तो अपने हालात से मजबूर थे तुम, पर जब कोई दिशा दिखाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला मिला तो तुम्हारी भी परिस्थिति में सुधार आया। अब रही बात लक्ष्मी की शादी की, तो उसने भी यह फैसला हालात के मुताबिक ही किया होगा। अब उसका फैसला सही है या गलत, ये तो आने वाले समय में उसे अपने अनुभव से ही पता चलेगा। सच है कि हम अनुभव से ही सीखते हैं, समझदार बनते हैं, हमें सबक मिलता है, भले ही सबक अच्छा हो या बुरा। अगर कोई साथ देने वाला हो तो कठिन से कठिन सबक सीखना भी थोड़ा आसान हो जाता है। याद करो तात्या, अगर लक्ष्मी तुम्हें नहीं बचाती तो सांप ने तुम्हें डस लिया होता। अब तुम्हारी बारी है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं साई? क्या होने वाला जिपरी के साथ? वादा करो मुझसे कि तुम लोग हर परिस्थिति में उसका साथ दोगे, भले ही मैं वहां रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम लोग उसका साथ नहीं छोड़ोगे। हाँ साई, हम वादा करते हैं। सब कुछ मेरी योजना के मुताबिक हो रहा था और उस बाईसा ने आकर सब गुड़ गोबर कर दिया। अब क्या करूं? सुमित्रा को बोल तो दिया है कि लड़का आ जाएगा, लेकिन कैसे? अरे मोहन, कैसे हो? अच्छा हूं। और ये तुम दोनों बाप बेटे एक जैसे कपड़े पहनकर कहां जा रहे हो? दुकान जा रहा था और जिद करने लगा कि साथ चलूंगा, और ऊपर से कपड़े भी मेरे जैसे पहनेगा, और इसकी माँ ने पहना भी दिए। बिल्कुल अपने बाबा जैसा दिख रहा है, पर दुकान जाकर अपने बाबा की तरह ग्राहकों से लड़ाई मत करना। क्या क्या यार चंदू, कम से कम बेटे के सामने तो मेरी इज्जत कर। चल चल। क्या तरकीब ढूंढी है तूने शांता, अब आएगा मजा। आजी ने कहा कि आप लोग यहाँ पर हैं, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। अभी अभी मंडी से आया हूँ, आज सारा अनाज बिक गया, एक भी बोरी वापस नहीं लाया हूँ। ये लीजिए पैसे, इसे जाकर अपनी आजी को दे देना, हमें कुछ और समय लगेगा। चिपरी के शादी के लिए लड़का देखने आया है, उससे ही बातचीत कर रहे हैं हम लोग। अब तुम घर जाओ, हम आते हैं। पूछिए ना, जो पूछना है वो पूछिए। आपका नाम? जी ढोंडी। कहाँ तक पढ़े हो? चौथी तक पढ़ा हूँ। गांव के पाठशाला में पांचवी नहीं थी, इसलिए आगे पढ़ नहीं सका। अब पिताजी के साथ उनके कामों में उनका हाथ बटाता हूँ। कारोबार क्या है आपका? जी हम लोग किसान हैं, गांव में हमारी खेती है
और कुछ घर हैं जो हमने किराए पर दे रखे हैं। फिर तो तुम अपने पिताजी से बहुत करीब होगे, बहुत लगाव होगा तुम्हें उनसे, है ना? पिताजी के करीब तो हूं, लेकिन माँ से लगाव अधिक था मेरा। पिछले साल ही वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। उनके जाने के बाद उस दिन से आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जब मुझे उनकी याद नहीं आई। माफ करना, हम नहीं जानते थे इसके बारे में। बहुत दुख हुआ हमें सुनकर। सुमित्रा वाइनी, ए सुमित्रा, बारा। अरे जब लड़की देखने आए हो तो एक बार उसे देख तो लो। बड़ा शर्मिला है हमारा ढोंडी, और नेक भी। आप बिल्कुल सही थी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अरे ऐसे खाली खाली, अरे सुमित्रा खड़ी है क्या? सबका मुंह मीठा करवा, तेरी बेटी की शादी पक्की हो गई है। वाह 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 वाह। हाँ हाँ, अभी सगुन की मिठाई लेके आती हूँ। सगुन से याद आया, पिताजी ने भी सगुन भिजवाया है। अच्छा कहाँ है? ले आओ। अरे लाओ लाओ, जल्दी लाओ। कितनी देर लगा रहे हैं, जल्दी लाओ। रखो 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 सब। हम ये सब कैसे ले सकते हैं? अरे कैसे ले सकते हैं, मतलब तेरे लिए थोड़ी भेजा है। ढोंडी के पिताजी ने उनके घर की होने वाली बहू के लिए भेजा है, तेरे लिए नहीं भेजा है। और पिताजी ने संदेश भी भेजा है। हाँ, क्या 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 क्या? उन्होंने पंडित जी से बात कर ली है, शादी के लिए सबसे शुभ मुहूर्त 3 दिन बाद का है, तो वो चाहते है कि शादी तभी हो। वाह, 3 दिन बाद।
पर इतनी जल्दी शादी की तैयारियां कैसे होंगी, वो भी लड़की की शादी की। हाँ, 3 दिन तो बहुत जल्दी है। अरे अब ये क्या नया बखेड़ा है, तुम लोग तो लड़के वालों से भी ज्यादा नखरे दिखा रहे हो। पहले कहा कि लड़के को देखना है, उसे परखना है, उसे बातें करनी है। अब जब रिश्ता पक्का हो ही गया है तो ये नौटंकी क्यों? अरे 3 दिन के बाद अगर मुहूर्त सबसे अच्छा है तो शादी कर लेने में हर्जी क्या है अक्का? लेकिन इतनी जल्दी शादी की तैयारियां? अरे तुझे कहां तैयारी करनी है, आधी से ज्यादा तैयारियां तो धुंडे के पिताजी ने करके भेज दी है। ये देख, जेवर है, कपड़े हैं, फल है, मिठाई है, सबको तो भेज दिया है, और क्या चाहिए तुझे? हाँ, अरे ऐसा रिश्ता तो नसीब वालों को ही मिलता है। ठीक है अक्का, शादी 3 दिन बाद ही करेंगे। तीन दिन में शादी? क्या मैं सच में शिरडी में बस 3 दिनों की मेहमान हूँ? मतलब 3 दिन के बाद मैं फिर कभी नहीं देख पाऊंगी अपने साईं को।